कभी ना गिरना कमाल नहीं होता दोस्तों, बल्कि गिरकर संभल जाना कमाल होता है। जियो प्रीव्यू लॉन्च होने के बाद से लगातार रिलायंस जियो खबर में है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत में सुपर फास्ट 4G स्पीड के दावे के साथ जियो लॉन्च किया। मुफ्त की चीज तो सबको लुभाती है, वैसे ही जियो सर्विसेज फ्री होने की वजह से लोगों ने काफी मुशक्कत से इसकी सिम खरीदी। शुरुआत में तो लोग इसकी इंटरनेट स्पीड से काफी उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते गए इसकी स्पीड भी कम होती गई। सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायत का सिलसिला जारी है। कोई कंपनी को स्लो स्पीड के लिए कोस रहा है तो कोई नेटवर्क और कॉलिंग के लिए। मशहूर स्पीड टेस्ट वेबसाइट speedtest.net के डेटा को देखकर यूजर्स की शिकायत सही साबित हो रही है। इस वेबसाइट द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक अब रिलायंस जियो की स्पीड में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी जियो की तमाम सर्विसेज फ्री है जिनमें इंटरनेट भी शामिल है, लेकिन जब इसके लिए ग्राहकों को पैसे देने होंगे तो क्या वो तब भी रिलायंस जियो सिम के लिए इतना उत्साह दिखाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसी के चलते रिलायंस जियो कुछ नया फैसला लाने वाली है। हाल ही में रिपोर्ट आई कि ट्राई के गाइडलाइन के मुताबिक जियो वेलकम ऑफर 3 दिसंबर को ही खत्म हो जाएगा। कंपनी ने फिर दोबारा अपने सभी कस्टमर की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक कर दी है। अब चाहे वो ओल्ड कस्टमर रहे या न्यू। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अब रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड फ्री सर्विसेज को और बढ़ा सकती है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 100 मिलियन सब्सक्राइबर टारगेट को पूरा करने के मकसद से 31 दिसंबर के बजाय वेलकम ऑफर 31 मार्च 2017 तक चलाया जा सकता है। अभी कंपनी के 60 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिपोर्टर्स को बताया है। वहां मोतीलाल ओसवाल ने कहा है, ज्यादा कस्टमर्स को लुभाने और 100 मिलियन कस्टमर्स के आंकड़े को छूने के लिए यह जियो का फ्री वेलकम ऑफर मार्च 2017 तक चल सकता है। इसके अलावा हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस तरह इशारा किया था कि अगर दूसरे ऑपरेटर्स इंटरकनेक्शंस POI में रुकावट डालते रहेंगे तो वेलकम ऑफर को बढ़ाया जा सकता है। न्यूज के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने कहा है कि कोई कंपनी कितने प्रमोशंस ऑफर लॉन्च करती है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होती। इससे जाहिर होता है कि कंपनी अपने फ्री वेलकम ऑफर की वैलिडिटी बढ़ाने के मूड में है। और वहां रिलायंस जियो के प्लानिंग हेड अंशुमन ठाकुर ने कहा है, हमने ट्राई से कहा है कि इंटरकनेक्शंस POI प्रॉब्लम की वजह से हमारे कस्टमर्स को वैसी क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पा रही है जैसी मिलनी चाहिए, और जब तक हम कस्टमर्स की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे तब तक उनसे किसी भी सर्विसेज के पैसे लेना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रिलायंस जियो को दिसंबर से आगे वेलकम ऑफर की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई की परमिशंस की जरूरत नहीं है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में ये दावा किया है कि एक महीने से भी कम में रिलायंस जियो के 16 मिलियन कस्टमर्स हो गए थे और अब उनको अपने जियो के 100 मिलियन कस्टमर्स के टारगेट को पूरा करना है। तो
हो सकता है कस्टमर को बेहतर सर्विसेज देने की खातिर वो अपनी सर्विसेज को 31 मार्च 2017 तक कर दे, ताकि न्यू सब्सक्राइबर भी उनकी इस फ्री सर्विसेज से लाभ उठा सके और ऐसे अनोखे प्लान को लेकर कस्टमर और कंपनी का साथ लंबे समय तक बना रहे। बिकॉज अगर यहाँ रिलायंस जियो कंपनी तगड़ा पैसा कमाने का ख्वाब देख रही है तो कोई बुरी बात नहीं। आज टेलीकॉम में जियो का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। इसने अपने इस प्लान में 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है। अगर हम एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को मिला भी लेना, तब भी जियो ने इनसे दोगुना इन्वेस्ट किया हुआ है। इट इज अ विन विन सिचुएशन, जहां कस्टमर और कंपनी दोनों को ही फायदा होगा। साथ में इंडिया में काफी रोजगार के मौके फराहम होंगे टेलीकॉम सेक्टर के अलावा भी, क्योंकि आने वाले वक्त में हर कोई ई बिजनेस करेगा और जी भर के जिएगा जियो के साथ। अब पारी है आज के पैगाम की। दोस्तों, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, बिकॉज कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आई नीड योर सपोर्ट, इट इज अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप तमाम YouTube फैमिलीज के लिए हम जल्द इस चैनल पर एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के लिए काफी इनामात के सिलसिले जारी किए जाएंगे। ZTech चैनल को देखने के लिए शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद।